तो गए सर बहुत दिनों बाद मुझे मिल चुका है एक काम जो कि है कंस्ट्रक्शन वर्कर का तो इतने टाइम से मैं काम की खोज कर रहा था और आखिरकार मुझे काम मिल चुका है तो फटाफट से अपनी ट्रक को लेके चलते हैं और मुझे पत्थर तोड़ने का काम मिला है फटाफट से चलते हैं और पत्थर तोड़ना शुरू करते हैं फिर हमें पत्थर जमा करने और इसे ट्रक में लेके जाने तो फटाफट से अपने पहले चलते हैं उस साइड पे जहा हमें काम करना है तो अभी हम आ चुके और यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्कर्स है इन्हीं तरह हमें भी काम करना है तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ है तो फटाफट से पहले बात कर लेते हैं हेलो सर मैं यहां पे काम करना चाहता हूं हाँ तुम काम कर सकते हो नाम बताओ अपना मेरा नाम है वरुण द द फ्रैंकलिन गेमर इतना बड़ा नाम कोई छोटा नाम नहीं रख सकते चलो फटाफट फड़ से काम शुरू कर दो तुम्हें पूरी रात काम करना पड़ेगा अगर काम बंद किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे पैसा नहीं देंगे खाना नहीं देंगे कुछ भी नहीं देंगे अरे यहाँ ठीक है ठीक है मैं पूरी रात काम करूंगा काम का करना ये तो बता दो अपने अरे यहाँ इंच काम मिल चुका है तो कहे सर अभी अंकल हमको लेके चलेंगे जहाँ पे हमें काम करना है अभी ये ट्रक में सभी सभी चले बैठ रहे हैं चलो चलो मैं तुम्हें बता दो तुम्हें कहा काम करना है हाँ चलो चलो کلهی پاڑی جانته काली पहाड़ी वो भूतों वाली पहाड़ी आ बच्चे तुम्हें उधर ही काम करना होगा चलो तुम्हें वहां पे लेके चलता हूँ अच्छा ठीक है ठीक है तो गाय अभी मुझे जाना है काली पहाड़ी के वहां पे और वहां पे मुझे काम करना होगा तो यहाँ पे तुम्हें, तुम्हें तुम्हारा काम करना है जल्दी से काम शुरू कर दो काम तो मैं शुरू कर दूंगा पैसे कितने मिलेंगे मुझे अभी से पैसों की बात कर रहे हो चलो निकलो मैं को तुमसे काम नहीं करना अरे नहीं नहीं मैं, मैं तो मजाक कर रहा था मैं मैं, काम शुरू करता हूँ टेंशन मत मतलब चलो मैं शाम में आता हूँ देखूंगा कैसा काम किया है चलो शुरू हो जाओ अरे क्या अभी से थक गए क्या अरे ये तो

था। या तो काम करो, या तो कोई पैसा नहीं मिलेगा ये तो चीटिंग में पुलिस में करूंगा मैं डरता नहीं है घर में, में, तो तो में रहने के लिए पैसे नहीं है सोचना पड़ेगा सिंचन अब सोचना समझ लग गया मैं इस ट्रक को पानी में खदा रहा हूँ क्या वो पांच क्या क्या है पानी में

ये बिक्री है तो अभी हम जा रहे सीधा सामने और यहाँ पे यार वो मछलियों का यार ऑक्शन चल रहा है इस सारे सारी, सारी मछलें वहां पे लोग खरीद रहे तो अभी अपन फटाफट से जा रहे देखते हैं हमारी मछली कितने में बिकनी वाली है कौन खरीद रहा है यहाँ पे मछलियां ये लो ये लो मेरे पास है बहुत अच्छी अच्छी मछलियां ले लो ले लो बहुत महंगी महंगी मछलियां तुम्हारी मछलियों में ऐसा क्या स्पेशल है वो इतनी ज्यादा महंगी है ये महंगी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल और मेजिकल मछलियाँ ये मछलियां ऐसे मामूली मछलियाँ नहीं है ये बहुत ही ज्यादा मछलियां तुम इनको एक बार खाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भूख नहीं लगेगी और तुम इनकी पूजा करोगे तो, तो जो तुम इच्छा करोगे वो तुम्हारी पूरी होगी अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है क्या मैं इसका डैम देख सकता हूँ डैमो वैमो नहीं है पैसे दे रहे हो तो बताओ अरे ठीक है ठीक है मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ फिर तुम मुझे मछलिया दे दोगे ना अरे आपकी हो जाएगी मछली बस पेमेंट तो करो ठीक है मैं तुम्हें अभी के पेमेंट कर देता हूं, एक लाख डॉलर तो कहे सर अभी अंकल ने बहुत सारी मछलियाँ यहाँ खरीद लिए और हमें एक लाख डॉलर मिल चुके हैं पर हमारे पास अभी भी ये बहुत ही बड़ी वाली मछली बाकी है सर आपको चाहिए क्या अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए पागल बना दो मछलियाँ बेच के पागल पागल ही बना रहे सबसे बड़ी मछली बाकी है जो चूँकि मिलने वाली है तुम्हें सिर्फ एक मिलियन डॉलर में मैं तुम्हें दूंगी वन मिलियन डॉलर पर तुम्हें

जितना पैसा चाहिए जितना क्या मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए ड्राइवर सारा पैसा बाहर निकाल दो और वो मछली अंदर डाल दो ओके okay, मैम तो कह सर अभी आप देख सकते हो हमें तो कितना सारा पैसा मिल चुका है थैंक यू दीदी सारे के सारे पैसे के लिए और हमने वो बड़ी वाली मछली भी आखिरकार बेच दी दस मिलियन डॉलर में तो गाइस सर उस बड़ी सी मछली को बेचने के बाद मेरे पास आ चुके बहुत सारे पैसे फिर उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उन सबको बेच दिया और हमें अपना खुद का घर भी मिल चुका है हमारे पास गाड़ी भी है कपड़े भी है बहुत अच्छे अच्छे और गाई सर मैं यार बहुत सारी अभी मछलियां बेच रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं करना सिर्फ जाके बहुत सारी मछलियां पकड़नी है उनको बेचते रहना बेचते रहना बेचते रहना उस समय बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे बस बोलना होता है वो मैजिकल है स्पेशल है ये वो बोल के सारी सारी मछलियां बेच के बहुत सारे पैसे लेके बहुत सारी गाड़ियां खरीद के बहुत सारे ने घर बनवा के और खुद में आराम से मजे कर सकते मैंने साइमन को दिया था लगता है हमारी सारी सारी गाड़िया आ भी चुकी है चलो साइमन से बात कर लेते हैं अरे फ्रेंकलिन आपकी गाड़ियों की डिलीवरी हो गई। अरे थैंक यू थैंक यू साइमन सर मुझे बता देते आप पैसे कैसे कमाते हैं थोड़ा सा तो पैसे मैं कैसे कमाता हूँ जाके लाइक और सब्सक्राइब करो तब बताऊंगा क्या

जान। अरे वे के मुझे नैने को दीदी नया अरे नैने को क्या? लिए जो पांच पांच दोस्त नैनी मसाओ बो कजामा जो भी हो सबके लिए नए नए घर गाड़ी सब लेंगे तो कहीं सर अभी हम जाने वाले हमारे कपड़ों की शॉपिंग में क्योंकि आधा दिन पहन लिए आधा दिन से ज्यादा मैं कोई कपड़े पहनता नहीं हूँ फटाफट से अपन चलते हैं और थोड़े कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं और यार मैं हर रोज गाड़ी भी चेंज करता हूँ मतलब तीस दिन में तीस गाड़िया होती मतलब एक महीने में तीस दिन होते हैं हर रोज नई नई गाड़ी तो भी फटाफट से कोई अच्छा सा सूट

मतलब उनकी यार हो जाएगी। बिल्कुल जीरो रुपीज। तो अभी, अभी यहाँ पे आ चुके हैं इस स्कूल को हम खरीदने वाले सामने सारे टीचर्स और प्रिंसिपल आ चुके क्योंकि मैंने उनको बुला दिया था एक मीटिंग के लिए और मीटिंग हमारी यही होने वाली है तो फटाफट से उनसे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल कौन है यहाँ मैं हाँ तो प्रिंसिपल मैम मेरी बात सुनिए मैं इस स्कूल को खरीदना चाहता हूँ बताओ कितने पैसे चाहिए आपको सर हम अपने स्कूल बेच नहीं सकते अरे बताओ तो सर ये स्कूल है कितने का सर सौ मिलियन डॉलर का है आप इतने पैसे नहीं दे सकते क्या मैं इतने पैसे नहीं दे सकता रुको अभी हेलो पंद्रह मछलियाँ बेच दो बेच दी कितने आए डेढ़ सौ मिलियन हाँ प्रिंसिपल मैम मेरी बात सुनिए मैं आपको वन फिफ्टी मिलियन डॉलर का चेक देता हूँ और वो रखिए और ये स्कूल खाली कीजिए क्या वन फिफ्टी मिलियन डॉलर थैंक यू थैंक यू तो अभी इस स्कूल को हमने खरीद लिया इतना ईजी था यार हमने स्कूल खरीद लिया गाड़ियां खरीद ली कपड़े खरीद लिए बहुत सारी चीजें खरीद ली पर अब बार ये नए नए घर खरीदने की जो कि हमने खरीद लिया है ये वाला नया घर मतलब ये नहीं है ये सिर्फ नीचे का गैराज है जब यार पुराने घर में क्यों रहना जब हम खरीद सकते हैं नया नया घर सिर्फ पांच मछलियां बेच के वो भी बड़ी बड़ी वाली तो कह सर ये हमारा नया नया घर और यहाँ पे हमारी नई कार की भी डिलीवरी आ चुकी है जो की मैंने मंगवाई थी एफ रेसिंग कार जो की मुझे बहुत ज्यादा खतरक लगती है इसको बाद में देखेंगे पहले चलते ऊपर वाले फ्लोर को और आपको पूरा का पूरा घर आपको देता हूँ बहुत

¡Me Kelly yeah. bye! bye.